ये गरीब मजदूर है, सब कुछ चला गया तो कब उठेंगे? थर को सब कुछ मिल गया, थरकोल मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन थर वालों को क्या मिला है? थर वालों को कुछ नहीं मिला है। मैं और नवाज शरीफ साहब ने बड़े ऐलानात किए टंडो वाला यार में, ठट्ठा में, कोई नुमाइंदा उनका भी नजर नहीं आ रहा। क्या ये पाकिस्तान में नहीं है? क्या थरी लोग पाकिस्तानी नहीं है? क्या सिर्फ जिम्मेदारी है कि रेंजर्स आ जाए, फौज आ जाए, मदद कर दे? गवर्नमेंट का जिम्मेदारी नहीं है? हम आ सकते हैं, मीडिया आ सकता है, इदारे सिक्योरिटी इदारे आ सकते हैं, लेकिन नहीं आ सकती सिंध हुकूमत, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती फेडरल गवर्नमेंट, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं आ सकती। यहाँ पानी नहीं है, जो इनके पीने का पानी था वो आग बिछाने में डाल चुके, जाया कर चुके हैं। इस वक्त पानी भी पीने को नहीं है। मैं सिविल सोसाइटी से कहता हूँ कि सिर्फ मोमबत्तियां जलाना छोड़ो, इधर थरपार कर पहुंचो, मदद करो। इनको खाना चाहिए, पानी चाहिए, बर्तन चाहिए, बिस्तर चाहिए, इनकी इनको इमदाद चाहिए। सर कमोबेश कल 7 अजला में आके वाकयात पेश आए हुए हैं, लेकिन कहीं भी ये फायर ब्रिगेड वगैरह जो नहीं पहुंची, इस हवाले से क्या? फायर ब्रिगेड भी नहीं है, और सुना था कि मेडिकल यूनिट्स मौजूद हैं थरपारकर में, कोई मेडिकल यूनिट, मोबाइल मेडिकल यूनिट नजर नहीं आया। करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का इफ्तिताह हुआ, वो नहीं है। आरओ प्लांट सुना चल रहे थे, बहुत सारे बंद हुए पड़े हैं। मतलब थर लावारिस हो चुका है। पीपल पार्टी ने थर को और सिंध को, सिंधियों को लावारिस छोड़ दिया है, इसीलिए गड़ी खुदा बख्श में लोगों ने हशर देखा कि लोगों ने इनको अदम एतमाद कर चुके हैं इनके ऊपर।